हेलो नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं एंकर परेश फिर एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूँ जय हो इंडिया में। जी हाँ, और वैसे जहाँ तक आज तक मैंने काम किया है आप लोगों ने देखा है कि मेरे साथ हमेशा सेलिब्रिटीज होते हैं, और आज तो दिख ही रहे हैं भैया हमारे संदेश गौर भाई आज मेरे साथ है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। संदेश भाई आज फिर आप नागपुर आए हो बड़े दिनों के बाद। आप वैसे नागपुर से ही हो पता है मुझे, इसीलिए हम लोगों का भाई भाई वाला रिलेशन है। और मुंबई में इतने दिन आप लोग आप रहे हो, और अभी मैंने सुना है आपकी एक मराठी मूवी भी आई है जिस वजह से आज नागपुर में हो, तो सोचा आपको बुला लूं और फिर चार बातें हो जाए हमारी प्यारी प्यारी। सो फिर से वापस आने के बाद अब कैसा लग रहा है हमारा नागपुर? सी नागपुर तो मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप प्लेस है, जन्मभूमि मेरी नागपुर ही है, और बहुत अच्छा, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है नागपुर में। और अभी कुछ टाइम पहले मैं आया था नागपुर, और अभी मेरी मराठी मूवी का मुहूर्त हुआ है जो कि नागपुर के पूर्व नागपुर के आमदार है कृष्णा खोपड़े जी, उन्होंने किया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और वैसे नागपुर की जनता को मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं संदेश गौर, और नागपुर एक इतना अच्छा इतनी अच्छी जगह है जहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो उस टैलेंट को तराशने की। बहुत खूब। वैसे ये एक्सपीरियंस तभी होता है जब इतना इंसान स्ट्रगल करके और सफल हो जाता है तो इतने बातें आती है, नहीं तो कहाँ यार इतना नॉलेज हमारा बढ़ेगा। सो एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी सुनी, और एक बात आपको याद आया होगा, आपकी पहली मूवी आई थी हिंदी मूवी जिसका नाम था मीरा था, उस समय में आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी मेरी, और आज फिर आप एक मूवी के लिए आए हो। बिल्कुल, जिस मूवी का नाम बदल बता दीजिए। बिल्कुल, उस मूवी का नाम है, एक मराठी मूवी है, दादा ने इसके पहले एक हिंदी मूवी की थी जिसका नाम है मीरादा, और अब जो मूवी आ रही है मराठी मूवी और उसका नाम है भला मानुष, और एक भला मानुष के किरदार में संदेश गौर हमारे प्यारे नागपुर से, और इस मूवी की खास बातें इनसे जानते हैं। संदेश दादा, भला मानुष जो ये मूवी है, ये क्या कंसेप्ट आपको जब मिला तो आप क्या सोच के इसमें आप लोगों ने जो रोल करने के लिए सहमति दी अपनी? एक्चुअली जो भला मानुष जो फिल्म है ये नागपुर से डायरेक्टर है जी विजय गुंगावकर, इन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्मों में मतलब अच्छा नाम कमाया है, और इनकी भी पहली फिल्म है, और जो प्रोड्यूसर पूर्व नागपुर से है प्रेम झामलानी और दिनेश गुलानी जी। तो डायरेक्टर सब ने मुझे अप्रोच किया कि संदेश तेरी फिल्म देखी थी हिंदी मीरादा, और पहले भी काम कर चुका उनके साथ में, तो उन्होंने बोला कि फिल्म देख के काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो हम लोग एक फिल्म बना रहे हैं मराठी, और स्क्रिप्ट में तुम्हें मेल करता हूँ तो तुम एक बार रीड कर लो, बताओ कहानी कैसी क्या है, और भला मानुष टाइटल है मूवी का। तो मैंने पूरी कहानी रीड की, मुंबई में स्क्रिप्ट मिली मुझे मेल पर, मैंने बकायदा प्रिंट आउट निकाला, उसको रीड आउट किया, और पढ़ने के बाद मुझे लगा यार नहीं, हिंदी तो की है क्यों ना मराठी भी की जाए, जो कि फैमिली ड्रामा फिल्म है, एक रोमांस है, कॉमेडी है, और फाइटिंग, मेरी पुरानी फिल्म में फाइटिंग भी था, इसमें मुझे फाइटिंग करने का मौका मिला है। तो इस बार हमारे एक्टर संदेश गौर जी एक्शन करते हुए भी हमें नजर आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये फिल्म का जो कैरेक्टर है बेसिकली भला मारो जो टाइटल है, उस टाइटल में मत जाओ, जब वो भला मारो से एक चेंज हो ओवर है, लेकिन उसके पहले इंसान क्या होता है वो इस फिल्म में हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक फैमिली ड्रामा है कि पारिवारिक, जैसे आजकल लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो जॉइंट फैमिली को कहीं ना कहीं आप भूलते जा रहे हैं, तो उसको भूलना नहीं है आपको, आप न्यूक्लियर फैमिली में रह सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स जिन्होंने आपको जन्म दिया उनको आपको भूलना नहीं चाहिए, जो सिबलिंग्स आपके ब्रदर सिस्टर जिनके साथ आप बचपन में खेले हो, क्रिकेट हो, गिल्ली डंडा हो, कंचे हो, नागपुर का जो बिल्ली, मतलब ऐसे ऐसे गेम, कंचे में एक गेम होता था संदेश भाई आपको अगर पता होगा ना, वो डोपर होते थे, तो चीज़ें ऐसी होती है, तो ये सब हम लोगों ने फिल्म में दर्शाया है। इसके साथ साथ भला मानुष जो मराठी फिल्म में मिली, उसके जो सिंगर्स हैं बहुत ही नामचीन सिंगर है मराठी इंडस्ट्री से, सुरेश वाटकर जी, एक सिंगर है बेला शिंदे जी जिनका गाना था मला जाओ देना घरी आते वाजे, और एक और सिंगर है जिनका नाम है राहुल सक्सेना जी। तो ऐसे तीन सिंगर्स हैं जिन्होंने गाना रिकॉर्ड किया मुंबई में आजीवसन हॉल में, और इसके म्यूजिक डायरेक्टर है मोरेश्वर निश्ताने, ये भी बहुत अच्छे सिंगर रह चुके हैं और आजकल संगीतकार बने हुए हैं, और बहुत अच्छा संगीत दिया इन्होंने। नहीं, जितने नाम आपने बताया तो मैं बॉलीवुड रिपोर्टर हूँ तो इनकी जानकारी रखता हूँ, सही में सच में उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया इसके पहले भी। बट और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मुझे पता चला कि भला मानुष इस मूवी में पूरे के पूरे कलाकार हमारे नागपुर से, कितनी सच्चाई है बाद में? देखिए इस बात में 100% सच्चाई है, वो इसलिए कुछ कलाकार जैसे जैसे मैं भी नागपुर से और मैं मुंबई शिफ्ट हुआ, लेकिन हूँ तो मैं नागपुर की, नागपुर है प्रॉपर, तो वैसे जो मेरी कोई एक्ट्रेस है वो भी नागपुर से ही है, और वो भी पिछले 3 साल से मुंबई में काफी सारे टीवी सीरियल्स और मराठी थिएटर से जुड़ी हुई है,
तो वो इस फिल्म में, साथ में उसका नाम है आकांक्षा साखरकर। उसके साथ साथ हमारे मिलिंद शेट्टी जी जो मराठी थिएटर से नागपुर से जुड़े हुए, वो राइटर भी इस फिल्म के और कलाकार इस फिल्म में जो है, मतलब 99% तो नागपुर के ही है, 1% जो आजू बाजू के ग्रामीण क्षेत्र, मतलब 100% पूरे नागपुर के, नागपुर का। और बहुत बड़ी बात है ये कि पहली बार कुछ नया कंसेप्ट हो रहा है और पूरे के पूरे कलाकार हमारे नागपुर से लेकर बिल्कुल एक मूवी बना रहे हैं। तो यार सच में जैसा कि सैराट आपने देखी हो मराठी मूवी में, तो सैराट भी ऐसी थी कि नए कलाकारों को पकड़ के इन्होंने धमाल मचाया। हो सकता है भला मानुस धमाल मचा, देखिए आपकी जबान लग जाए तो देखिए कोशिश करना, हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर आर्टिस्ट का काम होता है, एडिटर डीओपी म्यूजिक डायरेक्टर, अब उसको कितना ऊपर लेके जाते हैं ये आप जनता डिसाइड करती है। बेसिकली हम तो पूरी मेहनत करते हैं एक एक प्रोजेक्ट में, एक एक सीन में, एक एक शॉट में, जिससे आपको एंटरटेन हो, आप हंसे, आप उस फिल्म के साथ रोए, आप उस फिल्म के साथ बह जाए विद द फ्लो। तो कोशिश तो हर कोई करता है और होप्स हो हमारी भला मानुस में भी हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भला मानुस फिल्म आने वाले 4-5 महीनों के बाद दिखेंगी थिएटर में। अभी तो हाल ही में शूटिंग चल रही है जिसी दौरान संदेश भाई आज हमारे साथ हैं। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि नागपुर के डायरेक्टर प्रोड्यूसर होने के साथ साथ इस फिल्म की जितनी लोकेशंस हैं वो नागपुर और नागपुर के आजू बाजू ग्रामीण क्षेत्र की है, तो लोगों को देखने में और मजा आए क्योंकि लोग अपनापन उससे फील करेंगे बेसिकली उस फिल्म से कि यार मतलब नागपुर के लोग भी ऐसी फिल्म बना सकते हैं, तो लोग जुड़ेंगे धीरे धीरे क्योंकि नागपुर में होने के बावजूद फिल्म लाइन को यहाँ पे इतना तवज्जो नहीं दिया जाता है, जो कि नागपुर के टैलेंट के साथ में अन्याय है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बड़े बड़े जो लोग जो स्पॉन्सर्स करते हैं बड़े बड़े इवेंट्स को, बड़ी बड़ी चीजों को, तो मैं चाहूंगा वो भी फिल्म लाइन में आए और अच्छे टैलेंट को मौका दे और अच्छे लोगों के साथ काम करो और उनका टैलेंट सब जनता के सामने लेकर आए। सुधीर कितनी अच्छी सोच है इनकी और इतनी अच्छी सोच और इतने अच्छे कलाकार। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा संदेश भाई कि आपने इतना स्ट्रगल किया और जब जाके आपको ये मुकाम हासिल हुआ है, और बहुत बड़ी बात है कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करना, बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के साथ काम करना, बड़े बड़े सिंगर्स के साथ काम करना। आपने तो शान जी के साथ काम किया है, रेमो डिसूजा जी का आपको सपोर्ट है, ऐसे कई दिग्गज। और हाँ, और एक बात आप लोगों को बताऊँ कि ये सिर्फ मूवी नहीं करते, इन्होंने टेलीविजन में भी अपना बहुत सारा बढ़िया नाम कमाया है, जैसे कि आपने तारक मेहता, साउदर्न इंडिया, साथ ही सरस्वती चंद्र, ऐसे कई तमाम धारावाहिक इन्होंने हिंदी अपनी टीवी सीरियल की है। बहुत बड़े मजेदार एक्टर है और मैं तो भाई मिल रहा हूँ दूसरी बार, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और खास बात इसलिए कि इन्होंने जब कहा कि अपनापन आता है जब अपनी चीजों और अपनी सब सामग्री के साथ अगर काम किया जाए तो अपनापन आता है, उसी तरीके जब मैं ऐसे किसी पर्सनलिटी का इंटरव्यू लेता हूँ तो मुझे अपनापन आता है। नहीं, अपनापन देखिए आना भी चाहिए, हम नागपुर से है और नागपुर को आगे बढ़ाना है, तो आप, मैं, हमारी टीम और जनता इनके हाथ में रहता है नागपुर कैसे आगे प्रोजेक्ट करना है, कैसे दिखाना है। एक टाइम था कि नागपुर को लोग ऐसे समझते कि नागपुर है, लेकिन अब नागपुर अच्छा तुम नागपुर से हो, तो ये एक्सप्रेशन जब उनके आते थे अच्छा लगता है। मुंबई में लोग जब आपको बोलते अच्छा तो तुम नागपुर से हो, यार बड़ी कमाल की सिटी है। ऑरेंज के साथ साथ आजकल तो टैलेंट भी फेमस हो रहा है। ऑरेंज के साथ साथ वैसे टैलेंट भी फेमस हो रहा है। और मैं जैसा संदेश भाई और बोल रहे हैं कि ये मूवी नागपुर से है, सब कलाकार नागपुर के हैं, आज ज़्यादा इसका सेटअप पूरा नागपुर का है, वो सारी चीज़ें अपने नागपुर की, तो मुझे तो लगता है और मुझे क्या लगना है जब बाहर वालों की मूवीज़ को इतना रिस्पॉन्स देती है हमारे नागपुर वासी के जितने भी दर्शक है, हमारे जितने नागरिक है, उसी तरह इस भला मानुस को भी लगता है मुझे कि बहुत जम के प्यार मिलने वाला है। तो आप मेहनत करते रहे, बड़े धमाल मचाते रहे और इसी तरह हमें इंटरटेन करते रहे और लोगों को भी इंटरटेन करते रहे, क्योंकि जो भी हम लोग करते हैं, जैसा मैं एंकरिंग करता हूँ, आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो वो भी एक इंटरटेन ही है। और आप बड़े आप ऊंचे लेवल पे करते हो थोड़ा सा, वो एक बड़ा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा है। सो मैं इतना कहना चाहूंगा, टैलेंट देखिए जो प्ले करते हैं, स्ट्रिप प्ले करते हैं, वो भी टैलेंट होता है। ऊंचा नीचे क्या हो जाता है, वो एक मीडियम आ जाता है टेक्नोलॉजी। आज जो टीवी में एक्टिंग करते हैं वो मास मीडिया इतना जबरदस्त है उनका, हर घर में टीवी आज के डेट में। और जो प्लेस करते, जितने लोग प्लेस देखने आते हैं तो उतने लोग उन लोग को देख पाते बेसिकली। मैंने थिएटर्स भी किया हुआ है, मैंने भोपाल में भारत भवन में मैंने प्ले किया हुआ कस्तूरबा, सबसे छोटा बेटा बना था गांधी जी का देवदास। सेम प्ले मैंने इंदौर में किया हुआ है, सेम प्ले मैंने मुंबई में किया हुआ है, मुंबई में भवंस के ऑडिटोरियम में किया हुआ है ग्रांट रोड पे। तो मैंने सब चीज़ें की है, मैंने टीवी से ऐड किया हुआ है, टीवी सीरियल्स किया हुआ है, वेब सीरीज कर रहा हूँ, अभी मूवीज कर रहा हूँ, टीवी सीरियल्स कर चुका हूँ, थिएटर प्लेस। तो मुझे ये सब चीज़ें करके क्या समझना है परेश भाई, एक्टिंग तो मैं वही करता हूँ, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है, ग्रूमिंग हो रही,
लेकिन जो मीडियम जो टीवी और मूवी देता है ना वो प्ले नहीं दे पाता, लेकिन जो प्ले देता है ना वो दोनों नहीं दे पाते। वो प्ले है, सही बोले, कलाकारी, आपको करने का जज्बा, कॉन्फिडेंस, नर्वस नहीं होना किसी के भी सामने, वो आपको नाटक ही सिखा सकता है, वो टीवी मूवी नहीं सिखा सकती। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर जो बंदा कई सालों से अगर जिसने टीवी से शुरुआत की है, अगर वो टीवी पे से अगर उसको कहा जाए कि थिएटर आके कर ले तो उससे नहीं होगा। पर थिएटर के हर एक कलाकार को आप बोल लो कुछ भी करने के लिए वो सब कुछ कर सकता है। संदेश भाई ने थिएटर भी किया है, टीवी भी किया है, मूवीज भी किए, और मुझे थिएटर की बहुत मजा है, क्योंकि क्या होता है कहीं ना कहीं एक्टिंग में ग्रूमिंग आनी बहुत जरूरी है और वो आपको थिएटर देता है। बिल्कुल सही। सो आज आप यहाँ आए, आपका दिल से स्वागत है। उसी तरह आज हमारे जय हो इंडिया न्यूज के जितने दर्शक है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हाय, मैं संदेश गौर, मैं मुंबई से नागपुर आया, बेसिकली मैं नागपुर से ही हूँ। और जय हो इंडिया जो एक न्यूज़पेपर है जो आने वाले दिनों में मैगजीन और वेब सीरीज और वेब पोर्टल में होने वाला है, आने वाला है, तो उसके लिए मैं जय हो इंडिया के सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप जय हो इंडिया पढ़े, रीड करें और देखें और इसको बहुत सारा प्यार दें जितना प्यार आप नागपुर के कलाकारों को देते हैं, क्योंकि ये भी नागपुर से ही है। सो दोस्तों, लेता हूँ अभी के लिए आप लोगों से अलविदा, फिर मिलूंगा किसी नए कलाकार के साथ, फिर कुछ नए खट्टी मीठी बातों के साथ। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ एंकर परेश नागपुर।